भाभी इधर इधर अरे तेरी क्या हुआ जल्दी जल्दी वो देख वो देख वो जा रही है देख वो देख वो देख देख अंदर गई अभी आएगी वो आएगी आएगी जैसे आएगी ना उसका पीछा करेंगे हम लोग दिस इज योर टिकट मैम एंड हियर इज योर पासपोर्ट थैंक यू हैव अ नाइस डे आई 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 वो देख जल्दी 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 निशा को टिकट नहीं दी ना तो तू समझ ले तो मैं ना बातें तो अच्छी किया कर चल जाकर पकड़ उसको चल जा जाकर पकड़ उसको पूछ कहीं भाग न जाए वो एक बात बोलो तू मेरी बात सुनेगा ए भाई बात सुनेगा तू मेरी अपने भेजे से तूने बीए निकाल के ना फुटली में भर के फेंक कर भाग गई बाबलिया ये अदिति नहीं है कभी किसी अंग्रेज का नाम अदिति सुना तूने हाँ तेरे को एक बात बोलूँ अपन इस अंग्रेज का पीछा करते हैं मालूम करते हैं कि ये टिकट किसको देती है बहुत कमाल का आइडिया शीतल निकली उसने टिकट उठाकर अंग्रेजों को दे दिया अंग्रेज दौड़े उसने मौसी को दे दिया मौसी दौड़े उसने बच्चे को दे दिया बच्चा दौड़ा दौड़ा उठाकर मामा को दे दिया मामा ने चाचा को दे दिया चाचा ने उठाकर काका को दे दिया काका ने पता नहीं किस किस बच्चा दौड़ेगा तू तेरे पास थैला है अभी तेरे को क्या चाहिए तू बोल एक काम कर तू भीख मांग इधर बैठ कर ट्रेन में ठीक है तू मेरा दिमाग मत खराब कर अभी तू जा यहां से जा अबे ट्रेन में भीख मांगने से तो अच्छा है कि इस देश के अंदर से तीन दिन में सलट लूंगा मैं क्या टेढ़ा कर लेंगे लोग सोचते हैं मेरा हाँ ना ही फांसी दे पाएंगे ना ही उम्र कैद और ना ही किसी के हाथ आएगा ना ही लावारिस मौत मरेगा बाबला समझा क्या हुआ लाज टॉयलेट कर रही क्या बाथरूम में निशा को देख निशा निशा बाथरूम में टॉयलेट कर रही अंदर मैंने देखा था Thank you.
हूँ टैक्सी ड्राइवर। हाँ हाँ मुझे पता चल गया वो हरामखोर बंटी कहाँ है। आप फटाफट ब्राइटन रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाओ और सुनिए मेरी टैक्सी लेते आना प्लीज। हाँ कौन मालिक बोल रहे हैं? साले तेरी टैक्सी मिल गई, तू ब्राइटन स्टेशन पर पहुंच, अपनी टैक्सी ले फटाफट, फूट यहां से। एक बार तेरी टैक्सी दे दू ना उसके बाद तेरी गुलामी हमेशा हमेशा के लिए बंद, तेरी माँ का नाका। रुक, अब कहां जाएगी? कहां भाग रही है? मरने का नाटक करती है और हमको बेवकूफ बनाती है। हा? अपने पति को मारा तूने और इल्जाम हम पर लगा। मैंने किसी का खून नहीं किया। अच्छा तो क्या वो खून मैंने किया? हाँ झूठ बोलती है साली। अगर तूने वो खून नहीं किया तो उसने भागी क्यों थिएटर से? मैं तुम्हें अपने बारे में सच्चाई बताने आई थी। कौन सा सच बताने आई थी? मेरा नाम मुन्नी नहीं है। वो तो मैं भी जानता, तेरा नाम मुन्नी नहीं है। मेरा नाम तो, मेरा नाम निशा भी नहीं है और ना ही विक्रम चौहान मेरा पति है। तो उसने जलकर मरा कौन? निशा चौहान विक्रम चौहान की असली पत्नी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी मिला और तुमसे प्यार कर बैठा। घोषता हूँ अपने आप को कि क्यों मैं तुमसे मिला, क्यों मैं तुमसे प्यार कर बैठा। बच्चे प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। और कितना झूठ बोलेगी और क्या क्या सच सुनूं तुम्हारा? तुम्हें सुनना ही होगा और उसके बाद तुम जो करना चाहते हो कर लो। मेरा नाम अदिति है, अदिति देसाई। जो आदमी मुझे काम के लालच में यहाँ लाया उसके इरादे गलत निकले। जिस दिन उसकी बुरी नजर मुझ पे पड़ी मैं वहां से भाग निकली लेकिन मेरा पासपोर्ट वहीं पे रह गया। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मेरी दोस्त शीतल मिल गई जो एक डांस क्लब में काम कर रही थी। उसने मुझे उसी डांस क्लब में काम दिलवाया और वहां नाचकर मैंने अपना गुजारा कर लिया। तब एक दिन वहां पुलिस पहुंच गई और इससे पहले कि वो मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगे और कुछ सवाल पूछने लगे मैं डर के मारे वहां से भाग गई। लेकिन पुलिस ने मेरा पीछा किया, उसी वक्त एक गाड़ी मेरे सामने रुकी। जिस आदमी ने मुझे पुलिस से बचाया वही विक्रम चौहान था। कैरेन, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों तक मेरी पत्नी बनने का नाटक करो और तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं। घबराओ मत, मैं तुम्हें छूंगा नहीं और मेरा काम खत्म होते ही मैं तुम्हें एक नया पासपोर्ट और 25 लाख रुपए दे दूंगा जिससे तुम खुशी खुशी इंडिया जा सकती हो। और अगर मैंने इनकार कर दिया तो? फिर तुम्हें पुलिस से भी कोई नहीं बचा सकता है कोई। मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैंने सोचा मुझे अपना पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे तो मैं वापस इंडिया चली जाऊंगी अपने माँ बाप के पास, और मैंने उसे हाँ कर दी। उस रात जब मैं तुमसे मिली तब विक्रम भी वहाँ मौजूद था। हम दोनों डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे ताकि उनके सामने मैं खुदकुशी का नाटक करके ये साबित कर लूँ कि मैं, यानी कि विक्रम की बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उससे पहले तुम्हारी गाड़ी वहाँ पहुँची। जब डॉक्टर आए तो मैंने उनके सामने मरने का नाटक किया लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और फिर तुमने मुझे अपने नाटक में काम करने के लिए पूछा। मैंने तुम्हें अपना नाम मुन्नी बताया और कुछ झूठ मूठ की कहानी सुना दी। उस रात जब बाबला ने किसी को मेरे साथ बात करते हुए सुना वो विक्रम ही था। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम लोगों के सामने ऐसी हरकतें करूं जिससे ये लगे कि मुझ में सुसाइडल टेंडेंसीज है ताकि तुम्हारी गवाही के द्वारा डॉक्टर के सामने ये साबित हो जाए कि मैं पागल हूँ। उसके बाद जो कुछ भी हुआ प्लान के मुताबिक ही था। मैं वादा करती हूँ कि मैं मर जाऊंगी। काम पूरा हो गया और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था ये रहे बाकी के पैसे। आज के बाद ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें। गुड लक। थैंक यू। जब मैं वहां से निकली तो मुझे याद आया कि मैं अपना पासपोर्ट अंदर ही छोड़ आई थी। मैं उसे लेने वापस गई तो मैंने देखा कि विक्रम चौहान एक लड़की को घर के अंदर ले जा रहा था जो बिल्कुल होश में नहीं थी, और वो और कोई नहीं उसकी असली पत्नी निशा चौहान ही थी। Thank you.
करिए। मैं तुझे जान से मार दूंगी लेकिन ऐसा नहीं करने दूंगी। साली तू रोकेगी मुझे, मेरी परसों की मेहनत पर पानी फेरेगी, मेरा प्लान चौपट करेगी। पहले उसे जिंदा जलाऊंगा, बाद में तेरी बारी। निशा दरवाजा खोलो, निशा निशा दरवाजा खोलो, निशा सुनो दरवाजा खोलो मैं कहता हूं, निशा चला दिया। लेकिन मैं कैसे भी अपनी जान बचा के वहां से भाग गई। मैंने तुमसे कई बार मिलने की और सच्चाई बताने की कोशिश की लेकिन किसी ना किसी वजह से मैं तुम तक पहुंच नहीं पाई। देखो अगर मैं मान भी लूं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है, लेकिन लेकिन तुमने विक्रम को क्यों मारा? पंची मैंने विक्रम को नहीं मारा। ए पंची छोड़ना नहीं, मैंने कमिश्नर साहब को फोन कर दिया, वो आ रहा है इसको पकड़ने के लिए। ये क्या किया तुमने? पंची पंची वो मुझे मार डालेगा। नहीं वो तेरे को नहीं मारेगा, वो तेरी आरती उतारेगा। तेरे पापा रे पापी। बकवास बंद करो, तुम लोगों ने उसे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि 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 उसी ने विक्रम का खून किया है।